नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव मिश्रा सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द डीजल स्पॉटर्स पर। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे भी आपको इस तरह की वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलते रहें। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर होने वाली है जिसकी प्रतीक्षा काफ़ी समय से आप और मैं लगातार कर रहे थे। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं गोंडा जंक्शन पर जो यार्ड मॉडलिंग की प्रक्रिया आरंभ होने वाली थी उसके संदर्भ में। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि जो मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था गोंडा यार्ड मॉडलिंग के संदर्भ में, उसमें मैंने आपको बताया था कि 25 अप्रैल 2022 से संभावित तिथियां थी गोंडा पर नॉन इंटरलॉकिंग की और यार्ड मॉडलिंग के स्टार्ट होने की। लेकिन दोस्तों, 25 अप्रैल 2022 से रेलवे ने अपने आंतरिक कारणों का हवाला देकर काम को शुरू नहीं किया था। उसके बाद में 3 मई 2022 को पूर्वोत्तर रेलवे के GM जो हैं उन्होंने गोंडा जंक्शन का निरीक्षण किया था और साथ ही उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए थे कि जल्द से जल्द यहाँ पर काम को शुरू कराया जाए नॉन इंटरलॉकिंग का यार्ड मॉडलिंग का। और उसके बाद अगले दिन से यानी कि 4 मई 2022 से गोंडा जंक्शन पर यार्ड मॉडलिंग की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। हालांकि काम अभी बहुत धीरे धीरे चल रहा है और काफ़ी एहतियातन किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में बहुत बड़ी खुशखबर हम लोगों के लिए है, क्योंकि जो बहुत बहुप्रतीक्षित था गोंडा पर यार्ड मॉडलिंग की प्रक्रिया, वो धीरे धीरे आरंभ होना शुरू हो गई है और इसके बाद में कार्य में तेजी आएगी और हम लोग कवायद लगा सकते हैं कि मई और जून तक के अंत में जो यार्ड मॉडलिंग की प्रक्रिया है उसको पूरा कर लिया जाएगा। अभी जो मुख्य कार्य किया जा रहा है वो केवल प्लेटफॉर्म्स के ट्रैक पर किया जा रहा है और मेन लाइन के ट्रैक पर फिर कोई अभी कोई काम नहीं चल रहा है, और इसीलिए अभी किसी गाड़ी की कॉशन का कोई भी आदेश रेलवे द्वारा आदेशित नहीं किया गया है। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा और जब काम मेन लाइन पर पहुंचेगा तो वहां पर रेलवे आदेश निकालेगा कि कौन सी ट्रेनें टर्मिनेट होंगी, कौन सी ट्रेनों का शॉर्ट टर्म टर्मिनेशन होगा और बाकी चीज़ों का जो परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, उसके बारे में रेलवे जानकारी देगा। तो ऐसे में लगातार मैं आप सबके बीच अपडेट्स भेजता रहूँगा गोंडा जंक्शन पहुंचकर। अभी परसों जब मैं गया हुआ था गोंडा जंक्शन यहाँ पर देखने के काम हो रहा है उस टाइम पे, तो तब ऐसा कुछ खास था नहीं जो मैं कवर करके आपके बीच भेजता अपडेट। दोस्तों, अगर आप गोंडा जंक्शन पर चल रही यार्ड रिमॉडलिंग की प्रक्रिया की वास्तविक स्थिति देखना चाहते हैं तो आप गोंडा से रेल रिपोर्टर उत्कर्ष सिंह के यूट्यूब चैनल इंडियन रेल लाइन पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर वो वीडियो अपलोड किए हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ में कमेंट में डाल दे रहा हूँ। आप वहाँ पर जाकर जो असल कार्य स्थिति है देख सकते हैं कि कितना काम अभी हो चुका है और कितना काम हो रहा है। और इसके बाद मैं गोंडा जाकर खुद अपडेट्स लगातार वहाँ से लाता रहूँगा और आपके बीच में भेजता रहूँगा। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। और एक सबसे खुशी की बात बहराइच वासियों के लिए है, क्योंकि जो बहुत समय से इसका इंतजार हम लोग कर रहे थे कि कब गोंडा पर यार्ड मॉडलिंग की प्रक्रिया आरंभ होगी और कब ट्रेनें आगे के लिए बढ़ेंगी, तो उसका बहुत बड़ा जो फ़ायदा होगा सीधा बहराइच वासियों को मिलेगा। तो वो भी डेट सामने आ चुकी है और कार्य लगातार धीरे धीरे शुरू हो चुका है। दोस्तों, अगर बात करें कार्य कब तक पूरा होगा तो इसकी कोई भी तिथि सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन एक जो हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं उसके अनुसार जून के अंत तक या जुलाई के मध्य तक के काम पूरा हो सकता है। लेकिन अभी भी रेलवे की कार्यस्थिति पर डिपेंड करता है कि जितनी तेज़ी से काम करेगी उतना जल्दी काम पूरा होगा। तो ऐसे में जितना तेज़ रेलवे काम करेगी उसी के बाद हम लोग अंदाज़ा लगाएंगे कैसा काम हो रहा है। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।